दोस्तों पेट गुरु में आज हम बात करेंगे सन कनूर के बारे में। सन कनूर दोस्तों ये ब्राजील और वेनेजुएला के जंगलों में पाया जाता है और आज बहुत सारे सन कनूर्स आप लोगों को हैंटेम और अगर आप ब्रीड में डालना चाहते हैं तो अवेलेबल हैं अल सुगरा पेट शॉप अहमदाबाद गुजरात में। अलग अलग साइज में अलग अलग उम्र में आप लोगों को यहाँ पर सन कनूर मिल जाएंगे, ठीक है। और अभी अनस भाई जो हैं आपको यहाँ पर नंबर बता देंगे अल सुगरा पेट शॉप के और अभी वो लेकर खड़े हैं, देखिए कितने सारे हैंडटेम बर्ड्स उनके पास अवेलेबल है। तो अनस भाई पहले आप नंबर बता दीजिए, उसके बाद हम सन कनूर के बारे में पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। जी भाई मेरा नंबर है 9512125453, राजीव भाई का नंबर है 7600767896। तो अब दोस्तों बात करते हैं सन कनूर के बारे में। सन कनूर के यहाँ पूरा फ्री फ्लाइट केस दिया गया है, जितना आप फ्लाइट केस देंगे उतना ही किसी भी प्रजाति का बर्ड दोस्तों आपको अच्छे से हेल्दी रहेगा। तो ये कंसेप्ट शुरू किया है अल सुगरा ने, पहले कभी यहाँ मकाव रहते हैं, अफ्रीकन ग्रे रहते हैं और कभी फेजेंट भी रहते हैं। उन सारे वीडियोज़ को आप हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक के द्वारा देख सकते हैं। अभी दोस्तों देख सकते हैं कि एक कैमरे के ऊपर भी यहाँ पर सन कनूर बैठा हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये कहाँ से है। ब्राज़ील और वेनेजुएला के जंगलों में, घने जंगलों में ये पाए जाते हैं और ये छोटे छोटे फ्लॉक्स में रहना पसंद करते हैं और इनका ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहता है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि किसी बर्ड को आउटडोर फ्री फ्लाई कराएं, आउटडोर फ्री फ्लाई का एक और फ़ायदा है कि ये आज़ादी पसंद करते हैं और आज़ादी उनको आप दे सकते हैं। तो आउटडोर फ्री फ्लाई में ये बहुत वेल ट्रेन हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कांटेक्ट करिए अल सुगरा को, अगर अहमदाबाद में हैं या पूरे भारतवर्ष में हैं, कहीं पर भी हैं। नंबर आपको ऑलरेडी अनस भाई ने बताए। अब दोस्तों इनकी ब्रीडिंग एज जो है वो 2 साल के बाद होती है और इनमें भी कई कई स्पीसीज पाई जाती है, जैसे कि येलो डोमिनेंट, रेड डोमिनेंट और कई बार येलोनेस कम आती है, तो उस हिसाब से इनका प्राइस डिसाइड होता है। तो आप लोग उस हिसाब से कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको कैसी रिक्वायरमेंट है। और दोस्तों अगर आप ब्रीडिंग में डालना चाहते हैं तो 2 साल के बाद ये पूरी तरीके से ब्रीडिंग में आ जाते हैं और 4 से लेकर 6 अंडों के बीच में ये अंडे देते हैं और तकरीबन 24 से लेकर 27 दिनों के बीच में इनके अंडे में से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक अच्छे बर्ड होते हैं। कई लोगों का दोस्तों सवाल होता है क्या ये टॉक करेंगे, क्या ये अफ्रीकन ग्रे की तरह बोलना सीखेंगे। नहीं दोस्तों, ये छोटे छोटे वर्ड बहुत फास्ट फास्ट बोलना सीख सकते हैं लेकिन प्रॉपर टॉकिंग के लिए ये बर्ड नहीं है। ये टेमनेस और आप कह सकते हैं कि अफेक्सिनेशन के लिए है, मतलब आपके साथ ये जुड़ाव बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा कि अफ्रीकन ग्रे जो वर्ल्ड में स्मॉल टू मीडियम बर्ड में सबसे पॉपुलर है, तो इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, ठीक है। अब दोस्तों ये अल सुगरा पेट शॉप अहमदाबाद गुजरात में है और ये गुजरात की वन ऑफ द बेस्ट लार्जेस्ट पेट शॉप कह सकते हैं, एग्जॉटिक पेट शॉप है, ठीक है। और यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की बर्ड की इंक्वायरी हो तो आप कर सकते हैं। ये वीडियो का मकसद डॉक्यूमेंट्री बनाना है, इंफॉर्मेटिव प्रदान करना है अल सुगरा के सौजन्य से। अब दोस्तों इनकी साइज में आप लोगों को बताना चाहूँगा, इनकी साइज 12 इंच के आसपास होती है। स्मॉल कनूर से ये 2 से 3 इंच बड़े होते हैं, 12 से 13 इंच इनकी अच्छी खासी साइज होती है और ये एक प्लेफुल और स्क्रीमिंग करने वाले बर्ड है, मतलब थोड़ा सा ये चिल्लाना पसंद करते हैं, तो लाउडर बर्ड कहे जाते हैं इनको, ठीक है। अब दोस्तों खाने की बात करूँ तो खाने में सिर्फ सीड्स आपको नहीं देने हैं, सीड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, सीड्स भी आप दे सकते हैं लेकिन सीड्स इनकी डाइट का 20-25% होना चाहिए। बाकी दोस्तों ये फ्रेश वेजिटेबल और फ्रेश फ्रूट्स भी दे सकते हैं, ज़्यादा वेजिटेबल दीजिए, फ्रूट इनकी प्रॉपर डाइट का 10% होना चाहिए, वेजिटेबल इनकी डाइट का दोस्तों 30% होना चाहिए और भीगा हुआ अनाज स्प्राउट्स वगैरह जो है वो इनकी डाइट का दोस्तों 20% से 25% होना चाहिए। मतलब इनको कंप्लीट डाइट देंगे तो ये जल्दी से अच्छी ब्रीड करेंगे। तो अभी बहुत सारे सन कनूर दोस्तों अभी अवेलेबल हैं, यहाँ आए हैं आप देख सकते हैं,
कि मेरे मोबाइल कैमरा को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो जैसा आपको कलर पसंद है, और ख़ास करके अगर आप घर में अपने कोई एक बर्ड ढूंढना चाहते हैं तो ये बेस्ट बर्ड रहेगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि हैंड टेम बर्ड है, वाइल्ड नहीं है, तो ये काटेंगे भी नहीं, ये आपके घर में ट्रेन हो जाएंगे। और इनफैक्ट आउटडोर फ्री फ्लाई के लिए अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा आउटडोर फ्री फ्लाई ये बर्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए अनस भाई को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आकिब भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके की इंक्वायरी के लिए। बर्ड के सीड्स और पैलेट्स भी आपको मिल जाएंगे जो इनकी कंप्लीट डाइट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो पैलेट्स भी आप लोग दे सकते हैं इनको, ठीक है। चलिए चलते चलते दोस्तों, कोई अगर जानकारी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा जानकारी आगे कवर करके। और हम अनस भाई से चलते चलते फिर से नंबर ले लेते हैं। जी अनस भाई, जी आकिब भाई का नंबर है भाई 7670767896, और मेरा नंबर है 9512125453। अब दोस्तों चलते चलते ब्रीडिंग केज की और इनकी ब्रीडिंग बॉक्स की साइज़ की बात कर लेते हैं। ब्रीडिंग केज दोस्तों कहूँ तो आप आइडियल ब्रीडिंग केज इनके लिए अवेलेबल है, 3 फीट आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए, 3 फीट का केज आप इनको दे सकते हैं। और एल शेप में अगर आप इनको ब्रीडिंग बॉक्स देंगे तो भी अच्छा रहेगा, जो आपको यहाँ पर अलचुगरा पे ही दोस्तों मिल जाएगा, ब्रीडिंग केज भी मिल जाएगा और ब्रीडिंग बॉक्स भी दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 फीट का केज दीजिए, वैसे 2.5 फीट में भी ब्रीड करते हैं, बट जितना अच्छा देंगे दोस्तों उतना अच्छा रहेगा। और दोस्तों काफ़ी लोग बर्ड को पालने से पहले सोचते हैं कि ये बर्ड पालने चाहिए या नहीं पालने चाहिए, तो दोस्तों भारत में हम कोई भी विदेशी प्रजाति का किसी भी तरीके का जानवर या बर्ड पाल सकते हैं, वो हमें कानून 1972 फॉरेस्ट एक्ट के मुताबिक अनुमति देता है दोस्तों। तो आप लोग पाल सकते हैं और पालिए, ब्रीडिंग करिए, कोई टेंशन की बात दोस्तों रहती नहीं है। और अभी दोस्तों अलसुगरा पे ये स्टॉक आया हुआ है, आता ही रहता है, तो अभी जो है बहुत अच्छे रेट में, रेट के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अनस भाई को या फिर आकिब भाई को, नंबर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। आगे की जानकारी आप उनको कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं कि क्या रहेगा। इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ है, रेड डोमिनेंट है, येल्लो डोमिनेंट है, और उम्र के हिसाब से भी इसका प्राइस डिसाइड किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये बर्ड आपको क्यों पालना चाहिए, क्योंकि ये साउथ अमेरिका की ब्रीड है, और साउथ अमेरिका की जितने भी बर्ड हैं दोस्तों वो बहुत मजबूत होते हैं बीमारी से लड़ने में। तो आप लोग इसलिए इनको चुन सकते हैं, इसलिए आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये बर्ड जो है आप लोग अपने बना सकते हैं। तो ये बीमारी में आपको बहुत ही अच्छा टाइम देंगे जिससे रिकवरी हो जाएगी, और ये बर्ड बीमार भी बहुत कम रहते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक और बात बताऊंगा, लाइफ स्पेन के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। दोस्तों जनरली इनकी लाइफ स्पेन जंगली अवस्था में 12 से 17 साल के बीच में रहती है, लेकिन कैप्टिव कंडीशन में ये बढ़ के 15 से 30 साल, कई कई केसेस में 32-35 साल के सन कन्योर भी पाए गए हैं। तो ये इनकी कैप्टिव कंडीशन में जो है एज बहुत ही बढ़ जाती है, तो ये एक नोट करने वाली बात है। तो चलिए दोस्तों इन नटखट परिंदों के लिए आप अनस भाई या आकिब भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रॉयल अकबर टावर के सामने अलसुगरा पेट शॉप अहमदाबाद गुजरात।